हाय गाइस, नमस्ते। यार देखो, अभी जो है ना, अगर खबरों का अगर जो हम विश्लेषण करें, ठीक है, या इंग्लिश में कह सकते हो, अगर न्यूज़ एनालिसिस करें, तो सबसे बड़ी आज टॉपिक यही है कि गवर्नमेंट जो है कि एमएसपी क्यों नहीं बना सकती, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बना सकती है। ठीक है, देखो इसका कारण ये है, अगर बना देती है तो अलग सी जो है, नहीं बनाती है, लेकिन नॉर्मली बनाना थोड़ा सा रिस्की होगा, इसलिए क्योंकि अगर इसके बढ़ाने से क्या होगा ना, सबसे बड़ा इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी यार, देखो इसका मैं बताता हूँ। इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज़र का भी रेट फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर इस पर फिक्स कर दिया जाए कि राइस पे आपको ये रेट होगा, ये वाला राइस पे ये होगा, व्हीट पे ये वाला होगा, ठीक है, पल्सेस पे आपको ये होगा, ठीक है, जबकि शुगर केन पे क्या होता है, शुगर केन मतलब FRP होता है, जो कि मार्केट बेस्ड होता है प्राइस, ठीक है। तो यार देखो, इसके चक्कर में क्या होगा ना, अगर MSC बना दी जाती है तो फर्टिलाइज़र वगैरह का भी रेट फिक्स हो जाएगी, ठीक है, उससे महंगाई बढ़ने की, कोई भी चीज़ के अगर रेट अगर फिक्स हो जाती है ना, तो वो जो है कि मार्केट के लिए बड़ा ही ख़राब होता है, इकोनॉमी के लिए बड़ा ही ख़राब होता है, ठीक है। इसलिए पहला मेन पॉइंट यही है आप लोगों के लिए समझने के लिए, ध्यान से सोचिएगा, राइस व्हीट ये सब जो भी है ना, इस पे MSP पे कानून मतलब फिक्स रेट कर देना ये सही नहीं है, जबकि गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, उसकी तो रेट फिक्स नहीं है, वो भी फ्लैक्चुएट करती है, बदलते रहती है। और दूसरी बात ये कि राइस और व्हीट जो है ना, ये सब जो MSP जो होती है कि इंटरनेशनल मार्केट पे भी डिपेंड करता है। इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि अफगानिस्तान को कर रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर MSP लागू हो जाए तो उससे, अगर फिक्स कर दिया उससे क्या प्रॉब्लम होगा, इंडिया में जो भी एक्सेस और राइस और व्हीट का कल्टीवेशन हो, वो क्या करती है, सरकार खरीद लेती है, किसके द्वारा, FCI के द्वारा। FCI क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो यार, ये सब चीज़ें जो है ना, इसलिए किसी भी चीज़ का एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है इकोनॉमी की, कोई भी चीज़ का अगर आप रेट फिक्स कर देते हो ना, तो इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, उसको फ्लैक्चुएट होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे क्यों ना 0.5% चेंज हो, या 0.1% चेंज हो, या डाउन चला जाए, अप चला जाए, ये इकोनॉमी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक कि मैं USA पे मैं देख रहा था, उन्होंने भी एक बार ये किया था, MSP जो थी ना वो लागू कर दी थी, फिक्स प्राइस कर दी थी, बाद में उन्होंने इसको हटाना पड़ा था, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना, डंडा डोल हो गई थी, इसलिए। इवन देख लो एग्रीकल्चर फील्ड में ही देख लो यार, क्या सिचुएशन है, मशीनरी लगानी पड़ती है, वाटर चार्जेस के देने, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरनी पड़ती है, लेबर कॉस्ट भरना पड़ता है, तो ये सब जो कि फ्लैक्चुएट होते रहती है, तो MSP आप कैसे बना सकते हो यार, फिक्स कैसे कर सकते हो। मेरे ख्याल से फिक्स ना ही हो वही अच्छा है। मान लो 2020 में इसकी रेट एक्स थी, 2021 में एक्स माइनस वन हो गई, 2022 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक्स प्लस फाइव दे दी, ठीक है। तो ये फ्लैक्चुएट होना बड़ा ही ज़रूरी है मार्केट के लिए, ठीक है। थैंक यू यार, आप ज्वाइन कर सकते हैं यार, हमारा NCERT कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करके बताई जाएगी, और जो भी न्यूज़ जो खबरों में होती है उसको भी बताई जाएगी। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, ठीक है, इसको यार शेयर ज़रूर करना, और बेल आइकन तो यार ज़रूर दबा देना यार, बिना बेल आइकन का पता कैसे चलेगा मेरी कौन सी वीडियो अगली आ रही है। हैव ए ग्रेट डे गाइस, थैंक यू, विश यू गुड लक।